हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं कार्स फॉर सेल, और ये हमारी इस गेम प्ले सीरीज का पार्ट है 12। इसके पहले हम काफी पार्ट खेल चुके हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इस सुपरा को मॉडिफाइड किया था, ये जो यहाँ पे पार्क्ड है, और लास्ट वीडियो में ही हमने ये सारी कारें खरीदी थी। और ये रहा हमारा ऑफिस, इसको ओपन कर लेते हैं डीलरशिप को। और दो कारें हमने खरीदी थी जो हमने फॉर सेल लगा के रखी हुई है, और वो दो हम पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे फिलहाल, क्योंकि वो काफ़ी महंगी कारें थी जो हमने खरीदी थी। वैसे तो हम बेचकर उनको और खरीद सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने ये दो कारें लगा के रखी हुई है पार्किंग में, मतलब सेल के लिए। और पहले सफाई कर लेते हैं अच्छे से। ये कोक की केन पता नहीं कहाँ से यहाँ पर फेंक दिए, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। और हम हर दिन ऐसे बेहतरीन गेमिंग कंटेंट लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और हिट द बेल आइकन। ये हम इसको मोबाइल गेम में खेल रहे हैं, अनफॉर्चुनेट मतलब मोबाइल गेम में खेल रहे हैं फिलहाल। तो ये एक एंड्रॉयड गेम है, तो आप कह सकते हैं काफ़ी फ्री गेम है, तो इसमें एड्स की चलती रहती है, तो जस्ट अवॉइड दैट। ये नीचे आपको थोड़ी सी एड दिख रही होंगी, तो उसे स्किप कर दीजिए। बाकी हम कार को कर लेते हैं क्लीन। वाइट कलर की कार है ये, काफ़ी चीप कार है वैसे, काफ़ी चीप मतलब प्राइस में बिकती भी है और मिलती भी, इसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा बहुत कम होता है। तो मैंने इसे रिपेयर करके लाई थी, और फिलहाल कर लेते यार। आज पूरा दिन हो गया और हमने कुछ किया भी नहीं, अंधेरा हो गया। आई थॉट सो, इसको क्लीन कर लेते पहले अच्छे से। ओके, तो सामने गाड़ी के लिए कस्टमर्स खड़े हुए हैं, तो हम पहले बात कर लेते क्या ऑफर दे रहे हैं। वैसे तो गाड़ी अगर साफ रही तो काफ़ी बड़ा ऑफर रहता है उनका, अच्छा ऑफर रहता है, जो हम प्राइस डाले वही ऑफर में मान जाते। लेकिन अगर गंदी रही तो प्राइस गिरा देते, आई थिंक वो 29,027 में तो मैंने खुद खरीदी थी, उसके बाद 950 का इसमें वो किया मैंने मॉडिफिकेशन, 40 के लिए वो नहीं मानेगा। ये 24 दे रहा है तो मतलब, अच्छा 29 दे रहा था तो मतलब नहीं मानेगा। तो 39 में भी आई डोंट थिंक सो, ये 32 में आई थिंक मान सकता है, लेकिन बहुत कम प्राइस है हमारी कार के लिए, हमें प्रॉफिट कुछ बचेगा नहीं। तो इसको बेचे या नहीं बेचे, डोंट सेल। ओके, और बाकी के भी कस्टमर्स खड़े, पहले उनसे प्राइस पूछ लेते हैं क्या प्राइस देने को तैयार है। हमने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से पिंक मॉडिफिकेशन किया था, और काफ़ी अच्छी लग रही है, मानना पड़ेगा कार। ये वॉल्सवैगन की बीटल है, पहले का मॉडल था आई थिंक, अभी बंद भी हो चुका है ये वाला। इंडिया में तो है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन बाहर बहुत पॉपुलर था। ओके, तो अच्छा एक कस्टमर चला भी गया, तो इससे पूछ लेता हूँ पहले कि क्या रेट देने को तैयार है, अदरवाइज ये भी भाग जाएंगी। 36 नॉट बैड, ये वाला अच्छा रेट दे रही है हमें, और 40,000 हम ऑफर कर सकते हैं इसे। ओके, मान गई। ऑल दैट गाइस, तो तब तक मैं सोच रहा हूँ इस कार को भी क्लीन कर देता हूँ। अब हो चुकी है रात, तो आई डोंट थिंक कि अब आने वाले कोई कस्टमर, रात को यहाँ पे नहीं आते कस्टमर्स, दिन को ही आते हमारे, लेकिन एक ही गाड़ी निकल पाई है आज पूरे दिन में, तो काफी स्लो चल रहा है, मतलब कह सकते हैं आप। तो तब तक इसे क्लीन करते हैं और इसे लेके निकलते हैं आज राइड पे। काफी अच्छे टायर्स लगे हुए इसमें, ड्रिफ्ट किट लगी है आई गेस, ये लगवाई थी हमने, तो चला के पता चलेगा, लेकिन पहले क्लीन कर लेते हैं चलाने से पहले। हालांकि हम सवेरे आएंगे तो सारी गाड़ियां वापस से उसी लेवल पे गंदी हो जाएंगी, 100% गंदी हो जाती है। ऑफिस कर लेते हैं क्लोज, हालांकि कुछ चोरी लायक तो है नहीं, अंदर आते ही नहीं कोई। और ये गाड़ी भी गंदी है, लेकिन हम फिलहाल ड्राइव कर लेते हैं, चलो इसी से निकलते हैं ड्राइव करने। तो ये हमारे कंट्रोल्स, इंडिकेटर भी दिए हुए बाकायदा लाइट्स, हालांकि यहाँ पे रूल्स तो इतने चल नहीं रहे कि इंडिकेटर का हम यूज़ करेंगे कहीं, लेकिन अच्छा है, ग्राफिक्स ठीक है गेम की। और हम लेके निकल चुके हैं सुपरा को, इसमें ड्रिफ्ट किट लगी हुई है गाइस ऑलरेडी, लास्ट वीडियो में हमने इसे बहुत मॉडिफाइड किया था काफ़ी,
और पैसे भी अच्छे खासे खर्च किए थे, क्योंकि मेरी फर्स्ट सुपर कार है इस गेम में। ये देखो क्या ड्रिफ्ट हो रही है, मतलब अलग ही लेवल में। और सामने वहाँ पे ड्रग रेसिंग का है, तो ड्रग रेसिंग के लिए आई थॉट यही वाली कार यूज़ करनी चाहिए हमें, क्योंकि ये काफ़ी सुपर फास्ट भागती है। पहले आपको मैं डोनट करके दिखा देता हूँ, ड्रिफ्ट करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अपनी अच्छी ड्रिफ्ट नहीं कर रही है, अभी ट्रैक्शन पकड़ ले रही है, मतलब काफ़ी ड्रिफ्ट करती है कभी कभार। हैंड ब्रेक भी दिया हुआ है इसमें हमारा, तो हैंड ब्रेक का यूज़ कर लेते हैं। और लाइट्स मैंने ऑन किए थे कि ऑफ हो गए। और सामने वो जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर ड्रग रेसिंग की जाती है, अभी कोई है कि नहीं वहाँ पता नहीं, आई थिंक वो दिन में ही होती है, जाके चेक करना पड़ेगा। तो चलते वहीं पर, ठीक है। और अच्छा कोई नहीं यहाँ पर ड्रग रेसिंग के लिए, ये बाकी की गाड़ी है बस फालतू खड़ी है, हम इसको उठा भी नहीं सकते यहाँ से, तो यही गाड़ी ले जाके बेच देते थे अपने इस पर, अपनी डीलरशिप पर। तो गाड़ी हम खरीद रहे नहीं हैं फिलहाल इस गेम में, फिलहाल तो हम काफ़ी स्लो चल रहे गाइस, तो चलते इसी कार को लेकर। ये देखो अब अच्छा ड्रिफ्ट कर रही है, मतलब स्पीड बनाना पड़ता है हमें कार की, तब जाके अच्छी ड्रिफ्ट करती है। और ये रहा बार इस गेम का, इसका नाम है बार 70। ओके बार 70, पता नहीं क्या अजीब सा नाम रखा हुआ है, लेकिन ठीक है। तो चलो उतर के देख लेते हैं, गाड़ी का इंजन करते हैं ऑफ, क्योंकि फ्यूल इसका ख़त्म होता है। और ये देखो ये एक बंदा खड़ा है ब्लैक मार्केट का, हमने टैबलेट खरीद चुका था इससे पहले ही, ये टैब बस बेच रहा था और हथौड़ा का ऑप्शन था। ओके गाइज, तो गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने हथौड़ा भी खरीद लिया, अब इसी के हथौड़े से इसको मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन ऑप्शन आ नहीं रहा है, हम बीट कैसे करें। बाय बियर, ओके बियर तो बाय कर लिया हमने फिलहाल, लेकिन ये हथौड़े का यूज़ कहाँ करना है हमें ये नहीं पता है। मार के देखते हैं किसी को, किसी को क्या इसको मार के देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो हथौड़े का मतलब क्या था हमें समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक कार को हम बैंड कर सकते हैं क्या हथौड़े से, इसकी कार को मैं ट्राई करता हूँ हथौड़ा मार के, अपनी कार पे क्यों ट्राई करें, फालतू का नुकसान हो जाएगा हमारा। ये देखो साइड वाली की कार भी नहीं फूट रही है, और उसी बात पे क्लीनिंग कर लेते थोड़ी बहुत। इसको क्लीन नहीं किया था ना मैंने, मर्सिडीज को क्लीन किया था हमने, हमने बियर भी खरीदी है अभी तो। और थोड़ा अब मार के देखते हैं, पहले क्लीन कर लिया हमने मारने से पहले, लेकिन हमारी कार भी आई थिंक डैमेज हो रही है क्या, चेक कर लूँ। अच्छा डैमेज तो हुई नहीं, लग तो रहा नहीं है कि कुछ हथौड़े से हो रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन था तो हमने खरीद लिया। चेक करते हैं आगे फ्यूचर में कहाँ यूज़ कर सकते हैं इस अमर का। और सीज़न अभी विंटर का चल रहा है, तो फिलहाल इस गेम में भी विंटर का सीज़न है, और क्रिसमस भी आने वाला है इस गेम में भी बहुत जल्द, तो देखते हैं क्रिसमस पे क्या अपडेट है। और आई होप कि हमें कोई अच्छी गाड़ी मिले। देखो यहाँ पर ये बर्फ़ के वो भी खड़े किए, मतलब स्टेचू की क्या बोलते हैं ना उनको बनाते बर्फ के, वो खड़े किए हुए। ये देखो ये टोपी और चंबल पहना, मतलब गमछा क्या बोलते हैं उसको, गले में डाल के काफ़ी अच्छे से खड़े किया, और हमारी कार उसे तोड़ नहीं पाती है। हमारी कार मतलब आर पार हो जा रही, मतलब वो उतना भी अच्छे से नहीं मेंटेन किया है, और ट्रीज़ के भी हमारी कार आर पार हो जाती है, मतलब डैमेज नहीं होता इन सब चीज़ों से। और ये देखो मैंने कहा था क्रिसमस आ रहा है और सेंटा से मिलने वाले हम, ये देखो ये रहा सेंटा, देखते हैं क्या गिफ्ट लेकर आया है हमारे लिए सेंटा। आई थिंक ये इतना बड़ा सब हमारे लिए गिफ्ट लेके, आई होप कोई कार दे दे। वॉच वीडियो ऑल दैट गाइस, तो मैंने वीडियो एड वॉच किया और हमारा टास्क अनलॉक हो गया है। तो देखो हमारा क्या टास्क है, हमें 35 गिफ्ट्स कलेक्ट करने हैं। ओके तो ये रहे गिफ्ट्स, इनको कलेक्ट कैसे करने हैं, इस गिफ्ट सारे यहीं दिख रहे हैं। अरे यार गाड़ी डैमेज कर रहे गिफ्ट, मुझे लगा ऊपर चढ़ जाएंगी गाड़ी, लेकिन खैर हमारी गाड़ी तो डैमेज हो गई, लेकिन दिखेगा नहीं फिलहाल कितनी डैमेज हुई। 2% डैमेज हो चुकी है हमारी कार। देखो गिफ्ट कलेक्ट करने के चक्कर में उन्हें बम्पर गाड़ी का ठोक दिया, और अब मैं सोच रहा हूँ गाड़ी रिप्लेस कर दूँ। ओके तो अच्छा हमें पास में जाना है तो ही कलेक्ट हो सकेंगे गिफ्ट्स, और यहाँ आसपास में तो इतने सारे गिफ्ट दिख रहे हैं मुझे कि पूछो मत। तो पहले गाड़ी पे चलते हैं,
गाड़ी से कलेक्ट करेंगे हम सब जगह, 35 कलेक्ट करने वैसे तो हमें ऑलरेडी, तो काफ़ी मेहनत का काम है। मतलब आसपास में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यहीं के यहीं पे आई डोंट नो कितने हैं, लेकिन ठीक है कलेक्ट करते हैं। ये एक और कलेक्टर लिया हमने, और इसको भी कलेक्ट करते हैं। यस, इसको भी कलेक्ट कर लिया। और ये वाला एक और 5 कलेक्ट कर लिया हमने, 30 बचे। तो इसी वीडियो में हम कलेक्ट कर पाते कि नहीं देखते, लेकिन उसके पहले हमें इसको रिपेयर भी करना है। लेकिन नाइट टाइम में रिपेयर नहीं हो सकती हमारी कार, क्योंकि आपको सब पता है, क्योंकि नाइट टाइम में वर्कर्स रहते ही नहीं है। बस ये एक सामने जो जंक यार्ड है वहाँ पे बंदा बस खड़ा रहता है, उसके पास भी जो कबाड़ा है वो कभी कभार ही नाइट टाइम में पड़ा रहता है। आई गेस दिन में ही उससे हम डील कर सकते, बाकी खड़ा पूरी रात रहता है वो, आई थिंक वॉचमैन होगा वहाँ का। तो उससे हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं इस गेम में। और अभी मैं कलेक्ट करने वाला हूँ, जितने हो पाए हम उतने कलेक्ट करते हैं, और फिर कार्ड चेंज करके कलेक्ट करेंगे। देखो 10 हमने कंप्लीट कर दिया है, और कितने 25 और बचे, मतलब 25 और बच्चे हैं। बच गई मेरी कार, अभी फिर से लग जाती, फिर से बम्पर बैंड करता था। वैसे तो रिपेयर करवानी चाहिए, लेकिन फालतू में और खर्चा बढ़ जाता। इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब मैं ऑफिस में आ ही चुका था, चूंकि तो सोच रहा हूँ इस कार को यहीं पे पार्क कर दूँ, और डैमेज कर दी हमने अब अच्छी खासी, तो इसको यहीं पार्क कर देते हैं। अच्छी खासी नहीं, मतलब 2% ही डैमेज है, लेकिन फिर भी डैमेज है बम्पर सामने का। तो इसको यहीं पार्क करते हैं और चलते हैं दूसरी गाड़ी पे। क्या है कि हम कल से यही कार चला रहे हैं, सुपर कार ली, तो वैसे ये भी सुपर कार ही है, मर्सिडीज की एस कूपे आई थिंक। तो आज इस कार को लेके निकलते हैं हम राइड पे, और इसी कार की यूज़ से कलेक्ट करेंगे, मतलब चला के कलेक्ट करते हैं। अरे यार, इसमें भी अच्छी खासी ड्रिफ्ट किट लगाई है मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया था कि इसमें भी ड्रिफ्ट किट है। सुपरा से ज़्यादा ड्रिफ्ट कर ले रही है कैसे, क्योंकि लाइट कार है और सुपर कार है, तो उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा हमें हो रहा था, मगर ये हीवी कार है थोड़ी, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। और कहाँ गिफ्ट बचे गाइस, 11 कलेक्ट हो चुके हैं, 24 लेफ्ट है, मतलब 24 बाकी है। आज की आज हम देखते हैं इस वीडियो में कितने सारे गिफ्ट्स कलेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो एक ये एक और गिफ्ट है, कलेक्ट गिफ्ट। ओके, ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। अंदर है क्या कोई गिफ्ट, नहीं इधर नहीं है, उस साइड शॉप में है क्या, नहीं इधर भी है नहीं। ये कबाड़ा गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ये देखो ये चक्के रखे हुए हैं, और ये किसकी कार है, मस्टंग लग रही है मेरे को पुरानी वाली, लेकिन बंद है आई थिंक, वो गैरेज वाली की कार होंगी। हमारे पास अभी ठीक ठाक पैसे है, इसका इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, इसकी डैमेज नहीं है, कुछ डैमेज नहीं है कार, मतलब ये कार को हमें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है रिपेयर के लिए। सुप्रा को बस लाना पड़ेगा कल, उसको पहले रिपेयर कर लेंगे, एक दो कार और खरीदना पड़ेगा हमें, देखते हैं कि कौन सी कार हम परचेज कर पाते हैं। ओके, तो एक ये रहा गिफ्ट, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं रेट। और यहाँ पे आसपास में दिख नहीं रहा है, गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी से घूमेंगे यहाँ पे, पैदल घूमते घूमते पता चला पैदल ही अकेले हम निकल गए, गाड़ी रह जाएगी हमारी, फिर गाड़ी को लेने आना पड़ेगा। इधर साइड में इस साइड है गिफ्ट, तो ये वाले गिफ्ट कलेक्टना है। ओके, अंदर है क्या कोई, नहीं है, चलो अंदर से गाड़ी निकालते हैं सोच रहा हूँ। यस, हर बार हम यहाँ वॉश कराने आते हैं, लेकिन अभी तो बंदा है नहीं, वॉश कराएंगे गाड़ी। ड्रिफ्ट मारते हुए चल गए, काफ़ी अच्छे टायर्स लगे हुए इसमें, आई थिंक ड्रिफ्ट के लिए लगे हुए स्पेशल, और ड्रैग रेसिंग के लिए तो कोई बंदा था नहीं वहाँ पे। और कोई गिफ्ट दिख रहा है क्या आपको आगे आसपास में कहीं,
पूरा ग्राउंड फुल ग्राउंड लग रहा है एकदम। अच्छा है कि हम यहाँ पे भी कार चला सकते हैं, तो गिफ्ट्स इधर भी रखे हुए थे। इससे पहले हमने जितने गिफ्ट कलेक्ट किए बहुत से इधर साइड से कलेक्ट किए, तो ये देखो थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है कार हाई स्पीड में। डर भी लगा रहता है कि कहीं स्लिप हो गई या ड्रिफ्ट मार दी जरा से, तो डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस है इसके। ड्रिफ्ट लगी है ना, ड्रिफ्ट मारते हुए इस कार से। और ओके, तो एक और मिल चुका है गिफ्ट मेरे को, एक और छोड़ो, दो मिल चुके हैं, एक सामने एक ये है। तो पहले ये कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट कलेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। 15 कलेक्ट कर चुके हैं, 20 बचे हैं गेस, यस अब 19। माइनस में काउंटिंग चल रही है। सामने से नहीं निकल सकते हम, रिवर्स लेकर फिर से निकलते हैं। देखो ड्रग रेसिंग का यहाँ लिखा हुआ, ड्रग रेसिंग होती है यहाँ पर, तो हमने की हुई काफ़ी ड्रग रेसिंग। और अभी अभी सुपर कार खरीदी हमने, ऊपर से ड्रिफ्ट किट लगा दी है उसमें, उसमें हम रेसिंग किट लगवाएंगे वापस से और फिर उससे एक ड्रग रेसिंग करेंगे। विन विन वाली सिचुएशन होनी चाहिए, तो ड्रग रेसिंग वाली कार वहाँ पर जाके थोड़ी मतलब ड्रिफ्ट ही करती रहती है ट्रैक पे भी, और उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं, तो इसलिए हम रेसिंग किट लगाएंगे। और ये एक और गिफ्ट मिल चुका है मेरे को, देखो रखा कहाँ था साइड में, यहाँ पे ध्यान भी नहीं जाता मेरा। अच्छा वो यहाँ बाहर ही घूम रहा हूँ मैं, तो सीधा सीधा सड़कों से चलूँगा तो एक भी गिफ्ट मतलब एक दो मिलेंगे, ये पीछे वाले रह जाएंगे सर। पहले इसके पीछे से भी अब देख के आता हूँ मैं, देखो स्ट्रगल करते हुए सामने। मुझे लगा मैं उतर जाऊंगा गाड़ी से तो ड्रिफ्ट नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ड्रिफ्ट होके गई, डैमेज ना हुई क्योंकि गिफ्ट पे जाके टकरा रहे थे हम, और गिफ्ट भी डैमेज कर रहा है हमारी गाड़ी को। ऐसा नहीं है कि गाड़ी लेके ड्रिफ्ट के ऊपर चढ़ गए तो करेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आ गए हम नेबरहुड में, तो ये रहा एक और गिफ्ट, हो चुके हैं 19। देखो अलग अलग रैप में रखे हैं गिफ्ट भी, अच्छा अलग अलग रैप में रखे हुए गिफ्ट। और यहाँ पे बड़ा ध्यान से देख के चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो ये कहाँ कहाँ गिफ्ट छुपा के रखे, बिल्कुल रोड पे तो है ही नहीं, ये घर के कोई पीछे रखा है, कोई कहाँ रखा है, तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। लेकिन जितने जितने सामने सामने दिख रहे हैं आज कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, देखते हैं कि सेंटा ने हमारे लिए गिफ्ट क्या लाया। पिछला क्रिसमस खत्म हो गया और हम गिफ्ट भी कलेक्ट करके नहीं दे पा रहे उसको। तो एक ये रहा घर के पीछे, उसको भी कलेक्ट कर लिया हमने फाइनली। और वो रहा हमारा कंटेनर, मैं सोच रहा हूँ घर भी बाय कर लूँ, यहाँ पर ऑप्शन है नेबरहुड में बाय करने का, बच गया, अदरवाइज अब भी लगती थी गाड़ी जस्ट। अरे दो गिफ्ट यहीं दिखे यार, एक घर के पीछे आगे पीछे कहीं डला हुआ है। यस कंटेनर में दो गिफ्ट, ऊपर किसने रख दिया गिफ्ट, फुल थ्रॉटल दे रहा हूँ तो काफी अच्छी ड्रिफ्ट कर रही है हमारी। इसको कलेक्ट करते हैं और ये वाला भी कलेक्ट, और भी एक है गिफ्ट यहाँ पे, 15 है क्या, तो चेक कर लेते हैं। नहीं अभी सोना नहीं है हमें, आज हम पूरे गिफ्ट्स कलेक्ट करेंगे क्योंकि दिन में हमें टाइम मिलता नहीं है, गाड़ियों को खरीदने और बेचने में टाइम लग जाता है रिपेयर करके। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, तो एक और मिल चुका है मुझे गिफ्ट, सामने रोड पे है, मतलब रोड पर नहीं ग्राउंड में। ये वाला बहुत अच्छा ड्रिफ्ट था, जस्ट बचा वहाँ सामने, नहीं तो हिट होती थी गाड़ी गिफ्ट पे, और फिर ये भी डेंटल आता था इसमें।
25 हो चुके हैं, 10 बस बचे गाइस। आई होप कि हम इसी वीडियो में पूरे गिफ्ट्स कवर कर लें तो पता भी चल जाएगा कि गिफ्ट क्या था, अदरवाइज वो नेक्स्ट वीडियो के लिए सरप्राइज रहेगा आपके लिए कि हमें सेंटा ने गिफ्ट क्या दिया आखिरकार। तो तब तक ये देखते हैं कौन से वीडियो, मतलब कौन से और है, मतलब कहाँ कहाँ रखे हुए हैं और गिफ्ट्स। ओके, तो हमें यहाँ पर स्लोली चलाना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर बहुत से छुपा के रखे हुए गिफ्ट्स, और यहाँ से मैंने सिर्फ अभी तक एक ही कलेक्ट किया है ना अंदर से, यस घर के पीछे था वो भी। तो फिलहाल तो रोड ही रोड से घूम के देख लेते हैं, फिर पूरा एक अंदर साइड से भी घूम के देखना पड़ेगा। इधर देखिए कैमरा एंगल इसका बहुत बार बार चेंज हो जाता है। ऐसे सामने है आई थिंक एक और गिफ्ट, ये सियरा। देखो ये वाला घर खरीद सकते हैं गाइस, ये जो बोर्ड लगाया ना ये वाला घर खरीद सकते हैं हम, यहाँ पर आके रहेंगे फिर हाउस का। तो ये गिफ्ट के चक्कर में आए हैं, $60,000 का हाउस है। फिलहाल तो हमारे पास उतना अमाउंट है नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पक्का हम ये वाला घर खरीद देंगे। सामने एक और गिफ्ट है, हो सकता है हाउस ही गिफ्ट कर दे, कुछ भी हो सकता है गिफ्ट में, तो या तो कार गिफ्ट करेंगे हाउस गिफ्ट करेंगे। तो चेक करते हैं, और ये वाला भी हो गया फाइनली कलेक्ट। हमारे पास कितने और बचे अब, 3, 5, ओके तो 8 बचे हुए टोटल गाइस। और यहाँ पे मैं वॉच करने की कोशिश कर रहा हूँ कोई और भी दिख जाए, तो टोटल 8 गिफ्ट कलेक्ट करने हैं हमें। और अभी थोड़ी देर पहले तो इतने सारे गिफ्ट लग रहे थे ऐसा लग रहा था सारे के सामने सामने पड़े हुए 35 गिफ्ट, लेकिन अब एक भी नहीं दिख रहा है। मैं इस साइड से आ गया था ना, उस साइड से जाके चेक कर लेता हूँ, इस साइड से तो चल के आया था तो पूरा रूट देखा हुआ है, तो इस साइड से रूट जाके देखते हैं, हो सकता है इधर कहीं और पड़े हो। हाँ वो का मार्केट प्लेस में जाके नहीं देखा है मैंने, वहाँ पे भी चल के देखना है। ये देखो एक घर के पास भी पड़ा हुआ है एक, ओके तो अब बचे हैं 7, टोटल 7 गिफ्ट कलेक्ट करने हैं हमें। एक वो घर के पीछे दिख रहा है मेरे को यहीं से, आई नो यू, लगा था कि छुप जाएगा लेकिन कलेक्ट कर लिया हमने फाइनली। एक और सामने भी दिख रहा है मेरे को स्ट्रेट में, और 2 दिख रहे हैं, एक पीछे एक सामने। तो पहले ये वाला कलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड ओके, यानी कलेक्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आता है जल्दी, कार के अंदर जाना है हमें, कार का ऑप्शन बता रहे हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ा दी हमने गाड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये एक और रहा गिफ्ट कलेक्टर, अच्छा वो दूर से कलेक्टर पास में जाने की जरूरत नहीं। और भी एक जंक यार्ड में है गाड़ी, तो हमने लगा दी लेकिन अच्छा हो रहा है मैंने, 4 ही बचे हैं। देखो ये मोटर जो मैंने कहा था आपको खड़ा ही रहता है यहाँ पे, खड़ा ही हुआ है वहाँ पे। जंक यार्ड में तो नहीं दिख रहा है एक भी, हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ पे तो रहता है, मतलब जहाँ पे हमें जाने का बोला गया है इस गेम में, तो उतर के चेक कर लूँगे। और भाई है क्या कुछ, इसको तो सिर्फ मेटल से मतलब है, या मेटल भी कहाँ पड़ा है। ठीक है सिलेंडर था, हो सकता है गाड़ियों के पीछे हो, इनके पीछे मैं गाड़ी लेके नहीं आया था। नहीं इधर भी नहीं है, ये देखो टोइंग वाली गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, हमारे पास टो करने के लिए ऑप्शन नहीं नहीं है, कहाँ से रहेंगे, इसी ने गाड़ी हमारी उठा के ला ली होंगी। अच्छा एक गिफ्ट दिखा आई थिंक मेरे को उस साइड बाहर, ओके
चलते हैं आराम से। यस वो रहा है अंदर साइड का, ऐसे चक्कर में दिखा नहीं, नहीं तो बाउंड्री के बाहर भी था। ये कुछ ज़्यादा डैमेज भी दिया है यार गाड़ी का। फालतू में हम काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं हमारा गिफ्ट्स के चक्कर में, लेकिन हो सकता है कि गिफ्ट ऐसा मिल जाए कि सारे रिकवर हो जाए। इसमें भी बम्पर ही गया है, खैर कोई नहीं, छोटी मोटी चोट चलती रहती है गाड़ी को, स्क्रेचेस आती रहती है। और कहानी मार्केट प्लेस नहीं गए जो मैंने कहा था, तो हम वहीं जाने वाले थे, गिफ्ट्स कलेक्ट करते करते पहुंच गए, हालांकि वही कलेक्ट करने के लिए घूम रहे हैं। तो 3 बचे गए और एक और मिल चुका है हमें, मतलब अब बचे टोटल 2, और वो 2 कहाँ रहेंगे वही ढूंढना है और कलेक्ट करना है सेंटा से अपना गिफ्ट। देखते हैं इस बार क्या गिफ्ट देता है सेंटा में। तो गिफ्ट्स और ऑल दैट गाइस, तो 2 गिफ्ट्स बचे हुए हैं। आई थिंक अगर इस वीडियो में मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज हमें नेक्स्ट वीडियो में कलेक्ट करना पड़ेगा वो गिफ्ट्स भी। तो फिलहाल के लिए आज मैं थक चुका हूँ सारे गिफ्ट्स कलेक्ट करते करते, तो चलते हैं वापस सोने के लिए। आई होप आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। तब भी एक आध राउंड मार ही लेते सोच रहा हूँ मैं आसपास में, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, हो सकता है बाहर में कोई गिफ्ट पड़ा हो जो मेरी नज़र में ना आया हो। वो देखो सामने एक गिफ्ट दिख रहा है मुझे, ये यहाँ से यार मैं 10 बार निकलाऊंगा, पता नहीं नज़र कैसे नहीं पड़ी इस गिफ्ट पे मेरी, नहीं तो एक बार में कलेक्ट हो जाता था। अब लास्ट गिफ्ट बचा है गाइस, लास्ट गिफ्ट के लिए हमें सर्च करना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा कल मॉर्निंग का। ऐसे तो रात हो चुकी है लेकिन इसमें फिर भी काफ़ी अच्छा उजाला लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पूरा जो चांद रहता ना वो निकला हुआ है, तो उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लाइट है इस गेम में, हमें अपने गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और तब भी हम घूम रहे हैं, पूरी विजिबिलिटी है, मतलब रियलिस्टिक नहीं लग रहा है लेकिन ठीक है। और मैं सर्च कर रहा हूँ लास्ट गिफ्ट हमारा, ताकि जल्दी से जल्दी हम सेंटा का काम पूरा कर पाए, नहीं तो काम हमारे पास इतना रहता है दिन में कि टाइम ही नहीं मिलता। ओके तो वापस चलते हैं, अब एक लास्ट गिफ्ट था हमने कलेक्ट कर दिया है, अब वापस चलते हैं अपने कंटेनर पे। आज के लिए बस, बाकी कल हम सर्च करेंगे, कल आई होप अगर हमें मिल जाए तो गिफ्ट भी कल कल ही कलेक्ट कर लेंगे हम सेंटा से। और तब तक के लिए यहाँ पे चल के देख लेते हैं, यहीं पे हमें 2 गिफ्ट मिल चुके थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।